दोस्तों आजकल हम देख रहे हैं हमारे पतिदेव को बहुत ज्यादा प्यार मिल रहा है मतलब, और उनको सरप्राइज भी दे देते हैं। दोस्तों मैं अपने पतिदेव से झूठ बोल दी कि कॉल आ रहा है, मैं उधर जा रही हूँ बात करके। हम लोग का चिकन शोरमा है, डिजाइनर वाली जो डिजाइनर कपड़ा नहीं पहनी थी, और देख रहे हो किशोर रानी का शैम्पू खत्म हो गया है। आटा कुछ रही हूँ, चावल डाल रही हूँ, और सोच रहा हूँ करवा लेता हूँ, ये अपनी फेवरेट दुकान है। कैसे हैं आप सब? आप सबका स्वागत है अमित एंड किटो प्लस के चैनल पर। तो दोस्तों आजकल हम देख रहे हैं हमारे पतिदेव को बहुत ज़्यादा प्यार मिल रहा है मतलब, पतिदेव को मतलब हमको भी बहुत ज़्यादा प्यार मिल रहा है। तो दिल्ली में आते हुए हमारा रवैया चेंज हो गया इतना दिन मैं थोड़ा सा गाँव में थी तो गाँव वाला लुक था, अब यहाँ गई हूँ तो यहाँ वाला लुक है। तो दोस्तों आप सबको एक बात बताना चाहते हैं, दोस्तों मैं सबको बता जैसा कि बता रही थी कि मैं आप सबको एक बात बताना चाहती हूँ कि आज मैं जा रही हूँ मार्केट, और उधर से मैं बुला रही हूँ अपने भाई को, क्योंकि मैं अकेले तो मैं उनको थोड़ा सा अपने पतिदेव को सरप्राइज़ देना चाहती हूँ। और क्या सरप्राइज़ देंगे ये हम अभी आप सबको भी नहीं बता सकते और अपने पतिदेव को भी नहीं बता सकते। देखिए हमारे पतिदेव है नहीं तो वो गए हैं वाशरूम से आते हैं। मैं बोली उनसे बोली कि आप मेरे को मार्केट ले चलो, और मार्केट में मुझे कुछ बहुत बड़ा काम है सच में बहुत बड़ा काम है। और मैं उधर से अपने भाई को भी बुला ली हूँ, मेरा भाई उधर से आ रहा है, तो हम दोनों मिल करके अपने पतिदेव को थोड़ा सा बड़ा, वो इतने दिन से इतना परेशान थे ना, एक ही बात सुन सुन के मेरे कान पक गए थे। तो मैं सोच रही थी कि मैं ले चलती हूँ उनको मार्केट, और मुझे कुछ काम भी है मार्केट जा करके, और उनको सरप्राइज़ भी दे देते हैं और अपना काम भी पूरा कर लेते हैं। हम चाय पी रहे हैं, चाय का टाइम हो गया, मैं रेडी हो गई हूँ, क्योंकि दिल्ली में 7 बजे के बाद मार्केट बंद करने के लिए बोल देते हैं कि बंद करो, जल्दी बंद करो। तो दोस्तों हम चाय पी लेते हैं, फिर हम आपसे मिलते हैं मार्केट में। और कुछ सामान थे जो कि हमारा भाई कल आया था तो भूल गया है, तो मैं उसको पहुंचा भी दूंगी, और उसका भी काम, मेरा भी काम, सबका काम हो जाएगा। तो एक पंथ चार काज। तो दोस्तों ब्लॉग को आगे बढ़ाने से पहले हम बात करेंगे चार नए प्रोडक्ट के बारे में जिनको हमने मंगाया है purple.com से, और ये चारों प्रोडक्ट एक से बढ़कर एक हैं। पहले हम फर्स्ट प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे जो है डर्मडॉग का स्किन ग्लो फेस सीरम, और यह सीरम विटामिन ई से मिलकर बना होता है। और आप लोगों को पता है विटामिन ई जो है हमारे स्किन हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा होता है। तो प्रोडक्ट है वो पैराबिन फ्री और सल्फेट फ्री होता है, और किसी भी स्क्रीन के लिए ये बहुत ही अच्छा होता है, कोई भी इसको इस्तेमाल कर सकता है। किटरानी अब इसको इस्तेमाल करके दिखाएंगे। तो इस सीरम को इस्तेमाल करने का सबसे आसान तरीका होता है बिल्कुल क्लीन फेस पे, आपको 3 से 5 ड्रॉप लेना है, और बिल्कुल हल्के हाथ से आपको जेंटली बिल्कुल इसको मसाज करना है, और ये आपके चेहरे पे जब बिल्कुल एब्जॉर्ब कर लेगा तो आप देखोगे कि आपके चेहरे बिल्कुल शाइनिंग आ जाएगी। दिन भर में 2 बार आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरे जिस प्रोडक्ट के बारे में हम बात करेंगे वो है एज गुडनेस का अपटन पाउडर, हल्दी और चंदन से मिलकर बना होता है। और दोस्तों इस प्रोडक्ट की सबसे बड़ी खासियत क्या है पता है क्या? इसमें किसी भी प्रकार का केमिकल का यूज नहीं हुआ है, ये 100% नेचुरल है, और ये किसी भी प्रकार के स्किन पे इसका इस्तेमाल हो सकता है। आपको तो पता है कि मेरे एक आध गोठो भाई पिंपल विंपल निकल रहे हैं, और अपटन पाउडर जो होता है ना जिसके अंदर हल्दी और चंदन वगैरह मिलके बना होता है, ये जो पिंपल्स पे बहुत बढ़िया असर करता है, और ये आपके स्किन को बहुत ही अच्छा ग्लो देता है। तो अब बारी है तीसरे प्रोडक्ट की। तीसरा प्रोडक्ट है एल्फ गुडनेस का आंवला रीठा सिकाकाई पाउडर। तो दोस्तों आप लोग को पता ही है जो आंवला होता है हमारे हेयर के लिए कितना ही अच्छा होता है। दोस्तों ये जो पाउडर है, इस पाउडर का इस्तेमाल आपको अपने हेयर के लिए करना है, और ये जो पाउडर है आपके हेयर फॉल को बिल्कुल कंट्रोल करता है, हेयर ग्रोइंग में मदद करता है, और दिखा दिया, और इसमें किसी भी प्रकार का केमिकल का इस्तेमाल करता ही नहीं होता है, और 100% नेचुरल है दोस्तों ये। और प्रोडक्ट है गुड वाइब्स का लिली रेडियंस सीट मास्क। इस फेस मास्क के बहुत ही बढ़िया खासियत ये है कि ये आपके जो स्किन होता है उसको ब्राइट एंड रेडियंस स्किन देता है, और अफेक्टेड एरिया होता है क्लीन कर देता है। कभी ड्राई स्किन है ना वो इसको बहुत ही अच्छी तरीके से इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों 4 जुलाई ऑफर चल रहा है, buy 2 get 1 VLCC, आपको कूपन कोड यूज करना है VLCC B2G1। दोस्तों ये चारों प्रोडक्ट हमने purple.com से मंगवाए हैं, और नीचे डिस्क्रिप्शन में हमने इसका लिंक दे दिया है, आप अपने फेस और हेयर के अकॉर्डिंग आप कोई सभी प्रोडक्ट मंगवा सकते हैं। A few moments later. मौसम बहुत ही अच्छा हो गया है, पति देव हमारी रेडी हो गए, लेकिन अंधेरा आ रहा है, कोई बात नहीं, और मैं अपना शूज वगैरह स्लीप वगैरह जो पहनना चाहती हूँ पहन लेती हूँ, फिर मैं निकल रही हूँ लाजपत नगर के लिए।
तो जिन जिन लोगों को लाजपत नगर में हमसे मिलना है तो आ जाइए हमसे मिल लीजिए। मौसम बहुत सुहाना है, खाने पीने में घूमने में बहुत मज़ा आएगा। सोनाक्षी देख रहे हैं ट्रे भर करके चाय पी रही है। तो हम चलते हैं मार्केट की तरफ, चलिए जल्दी और आपको लेट नहीं हो रहा है। हाँ तो मेरा फोन सच में चार्ज नहीं है। ये बोल रहे हाँ स्लीपर ही पहनेंगे, चलो कौन से कहीं तुमको कहीं दिखाना है। ये देखिए हमारे पति की आ रहे हैं। हाँ जी दोस्तों, ये देखिए हम निकल चुके हैं और पीछे कितनी गाड़ी लगी हुई है। हमारी आवाज़ अब तक पहुँच रही होगी नहीं पहुँच रही होगी ये नहीं पता हमको, और बहुत ज़्यादा ट्रैफिक लगा हुआ है। ये हम आपको दिखाते हैं, रुक जाइए। ये देखिए देख रहे हैं आप लोग कितनी लंबी ट्रैफिक, दिल्ली का ट्रैफिक देखो आप लोग, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है। हम साइड साइड से ऐसे निकल जा रहे हैं, साइड साइड से निकल जा रहे हैं। अच्छा लगे हम लोग देखते हैं, बस पहुँचने वाले हैं थोड़ी देर में। बस एक सिग्नल से हटकर ग्रीन आ गया, अच्छा हुआ कि हम लोगों को यहाँ पहुँचने से पहले रेड हट गया। कर ले लिया था, मुझे समझ नहीं आता है कि उनको तो पता नहीं था कि मैं इंटरव्यू बनूंगी, लेकिन मेरे को टू व्हीलर पसंद ही नहीं है। मुझे टू व्हीलर ही तो वही अच्छा लगता है, मुझे फोर व्हीलर में बहुत खुश है ना। आपको पता है कि मुझे दोस्तों मैं अपने पति देव से झूठ बोल दी कि कॉल आ रहा है, मैं उधर जा रही बात करके। वैसे मेरे भाई का कॉल आया है और देखिए वो उधर खड़े हुए हैं, उनको पता भी नहीं है। और मैं इधर शूट कर लेती हूँ, तो मैं ये इवेंट क्या बोलते हैं एप्पल का शोरूम है, तो मैं यहाँ पे आई हूँ। मेरे पति देव को बहुत ज़्यादा इसकी ज़रूरत थी, इसके बिना मतलब कि आप लोग भी कमेंट करते थे कि उतनी क्वालिटी नहीं आ रही, उतनी वो नहीं आ रही है। तो मैं ऐसे चलूँगी बोलूँगी कि मुझे मेरा भी फ़ोन बहुत ज़्यादा हैंग कर रहा है, तो अपने लेने के बहाने ही मैं बोलूँगी मेरे को दिलाने के लिए। और मैं कुछ मार्केटिंग पहले तो जो मेन है पहले वहाँ पे चलते हैं, तो मैं बोलूँगी कि मेरे को कुछ ऐसा दिला दो, और अगर वो मुझे नहीं दिला पाएँ तो मैं वहाँ चलेंगे तब हम उनको सरप्राइज़ देंगे। और वो मेरा भाई आएगा तो कुछ उसकी आइडिया रहेगी, वो अपना दिमाग लगाएगा, मुझे तो इतना कुछ पता नहीं है। उसको फ़ोन किया बोला कि मैं दो मिनट में आ रहा हूँ, मैं इधर उधर देख रही हूँ, मुझे दिख भी नहीं रहा और मैं छोटे छोटे इधर से शूट कर रही हूँ। चलते हैं उनके पास। बात हो गई, बोला है कि दो मिनट के अंदर आ रहे हैं, अब यहीं पे खड़े रहते हैं, देखते हैं आता है तो क्या बोलता है। दोस्तों देखिए पहले तो मुझे कॉल कर करके परेशान कर रहा था, आओ आओ, और जब मैं यहाँ पे आ गई तो खुद गायब है। लग रहा है कि ये अपनी बीवी को भी ले आ रहे होंगे, मतलब नई वाली भाभी को। अच्छा ही होगा, देखो उधर आ रही हूँ, देखो उधर आ रहे हैं, इधर से आ रहे हैं। मैंने उनकी ड्रेस से बात की, मैंने उनसे वीडियो कॉल बात किया ना, तो दिख रहे हैं बहुत दूर है, नहीं दिखेंगे। आ जाने दीजिए, उधर आ रहे हैं। देखिए आने से पहले ये सैनिटाइज हो रहा है हाथ वगैरह, और ये देखिए भाभी जी भी आ गई है। और ये मेरे लिए कुछ सस्ता देखो, मैं नहीं देखो खाए, मैं उनको सरप्राइज दे रही हूँ, उनको पता नहीं कि मैंने उनको फोन दिलानी है, और उनको लग रहा है कि मैंने वो मुझे दिला के मेरा हैंग कर रहा है ना, मुझे कोई इसीलिए मुझे बोल रही हूँ कि सस्ता वाला दिला। अगर ऐसे ही सब लोग बोल देंगे तो मेरा बैंक खराब हो जाएगा। सही बात है। क्या देख रहे हैं आप, कौन सा मुझे तुम्हें दिलाऊंगा वीवो का। हाँ मुझे वही दिला दीजिए। देखिए शो देखिए शो मतलब टेंशन हो रहा है कि मैं इतने बड़े शोरूम में लगाया था, बहुत धक्का पहले से बहुत ज़्यादा टेंशन हो गया है। मुझे क्या पता कि हम उनको दिलाने आए हैं, क्योंकि उनको ज़्यादा ज़रूरत है, मुझे ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। चलिए देखते हैं और चोरी से लेते हैं और उनको बताएँगे भी नहीं।
दोस्तों मैं जो लेना चाहती थी वो यहाँ पे नहीं है गोल्ड मॉडल में, और यहाँ पे मतलब कि मैंने ऑनलाइन देखा तो वहाँ से पीछा यहाँ पे बहुत ज़्यादा कॉस्टली बता रहे हैं, तो मुझे जहाँ अच्छा और बढ़िया मिलेगा तो मैं वहीं से लूँगी। मैं बोली, मैंने इनसे ना रिक्वेस्ट किया कि आप ऐसे बोल रहे हैं और हमें तो वहाँ कुछ सस्ते मिल रहा है, लेकिन ये शोरूम के को समझ करके, और वहाँ पर भी शोरूम ही है एक जगह और मैंने पता किया सीपी में, तो वहाँ से पता किया वहाँ सस्ता है, तो जो हमें जहाँ अच्छा सस्ता मिलेगा मैं वहाँ से लूँगी। और ये नहीं कम किए हैं, और जिस मॉडल को हम चाहते थे 3 कैमरे वाला तो यहाँ पे नहीं था इस टाइम, तो हम कल चलते हैं सिटी में, सिटी में देखकर पता करते हैं। और भाभी और भैया लोग चले गए हैं, हम बोले आप लोग आगे चलो, हम तब तक आते हैं पीछे पीछे कुछ खाने पीने के साथ, और थोड़ा सा उनके साथ हम लोग मस्ती करते हैं, मिलते हैं आप सबसे किसी रेस्टोरेंट में, उनसे मिलते हैं और मौज मस्ती करते हैं। शादी के बाद उनके साथ हम पहली बार ऐसे घूमने फिरने निकल पड़े हैं, और अगर हमारा स्कूटी यहाँ पर परमिशन होता 4 लोगों को बैठा कर लेकर जाने के लिए, तो मैं 4 लोग को बैठा लेती, फिर 3 लोग होता मैं बोल लेती नहीं भैया तुम उससे आओ, हम लोग इससे आएंगे तो उससे आ जाते हैं। तो ये देखो स्कूटी से अपना निकल चले हैं, ऑटो रिक्शा पहुँच जाएंगे जी ना, ज़्यादा दूर तो है भी नहीं। हाँ याद आया, ये मैं उसी जगह पर जा रही हूँ, वैलेंटाइन डे का टाइम था और मैं शूट पर से आ रही थी, मेरा जो परी वाला एल्बम था आने वाला था, तो मैं शूट पर से उस दिन आ रही थी, और ये मेरे को उधर लेकर गए थे उसी दुकान पर, मेरे को इतना तेज़ डांटे थे वैलेंटाइन डे वाले दिन कि मैं इतना रोई थी। मैं बोली हे भगवान, ये मेरे को आज के दिन इतना रुला दिए हैं, इनको शर्म नहीं आती है, तो ये वही फिर लेकर जा रहे हैं ये हमको। ये देखो पीछे आ रहे हैं, हमने सोचे कि बहुत आगे निकल गए लेकिन अभी देखो पीछे ही है आ रहे हैं, इतना हम लोग, एक तो हम लोग स्कूटी से पहुंच ही नहीं पाए और ये देखो आ रहे हैं। यहाँ से कितना दूर है जी? ओह आने वाले थे, देखिए हम आ गए हैं और वो लोग भी अपना अपने अपने, देखो हमको छोड़ कर ये लोग जाए, शर्म नहीं आती है, हम सबको लेकर चलते हैं और लोग हमको छोड़ देते हैं। देख रहे हैं कितना भीड़ लगा हुआ है, बहुत भीड़ लगा है, बस खाली सब खाने के यहाँ खाने के लिए आते हैं। अभी हमारा अंदर वो लोग भी आ रहे हैं, ये देखिए आ रहे हैं गाड़ी के उस पार हैं, उस पार आने में थोड़ा टाइम लगेगा इन लोगों को। यहाँ फर्स्ट टाइम आई है? नहीं यहाँ फर्स्ट टाइम आ रहे हैं। अच्छा यहाँ ये दिल्ली फर्स्ट टाइम आई है? तो क्राउड दिखाओ, क्राउड आप लोग देख सकते हैं कितना क्राउड यहाँ पे है, बहुत ही। तो जो किट्टो चिकन शोरमा देख के बोल रहे हैं कितना देर सब भर रहे हैं, चिकन है और क्या है। चिकन शोरमा हम लोग का चिकन शोरमा है और किट्टू का पनीर शोरमा है। तो हम जिस काम के लिए आए थे मेरा काम नहीं हुआ, तो ये लोग भी बेचारे परेशान हो गए हमारे वजह से, अब ये जा रहे हैं, उनको टाटा बाय बाय करते हैं। बाय गाइस, बाय गाइस, फिर कल फिर मिलेंगे। A few moments later. घर पे और वो चली गई अपने घर पे, तो अब हम चलते हैं ऊपर और पति देव अपना स्कूटी खड़ा करके आएंगे, क्योंकि यहाँ पे स्कूटी खड़ा करके ये गाड़ी खड़ा हो गया है और हमारी गाड़ी यहाँ खड़ी हुई है, हमारी गाड़ी यहाँ खड़ी हुई है, पति देव हाथ इधर आ गए, स्कूटी खड़ा कर रहे हैं, हम चलेंगे ऊपर। आ गई, हम जा रहे हैं, अब आइए हम, मेरा सर बताने के लिए ये हेलमेट ना इतना वजन डाले कि मेरा सर एकदम चकराने लगा है। देखो मैं आ गई, ओ केक कट गया क्या? कार्तिक बहुत गिफ्ट पा रहा है। कार्तिक इधर देखो, क्यों पुराना कपड़ा पहने हो? हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे कार्तिक, हैप्पी बर्थडे कार्तिक, हैप्पी बर्थडे कार्तिक। अरे
गिफ्ट पा करके कितना खुश है, देख रहे हो? ए कार्तिक, ए सुनो, क्या धक खुलवा, कौन कौन आया है? पागल हो क्या, ऐसे कौन से नहीं हो? अरे गोली 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 मच, गोली 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 बंदूक, गन कौन दिया है जी? ए प्रिंसी, कौन कौन आया दिखाओ तो, दिखा तो आया के साथ डिजाइनर वाली थी, जो डिजाइनर कपड़ा नहीं पहनी थी, ए जो डिजाइनर नहीं थी करी है, वर्ड मत डालना। अरे तुम्हारी बेटी बेटी बोलती है ना, अरे नहीं ये वर्ड नहीं डालना ना। तो क्या हुआ, प्यार से सब लोग मेरे को पता नहीं क्या क्या बुलाते सर, इससे कोई मत बात, अरे नहीं 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 नहीं, अपने जीजा से बोलो कि मत डालेंगे, यही यही करेंगे। इसको प्यार से किट्टू बुलाते, किट्टू। कौन कौन आया है दिखाओ, है ये सूरज है, सूरज चतुर्वेदी, और कौन चतुर्वेदी, ये बहनी कहाँ के हो, इले बट है। नेक्स्ट मॉर्निंग, तो सुबह हो गया है, नाश्ता पानी सब कुछ हो गया है, उसके बाद हमारा शैम्पू ख़त्म हो गया है, और शैम्पू ना होने की वजह से हमने 2 हफ्ते से अपने बालों को धुला नहीं है कुछ भी होता तो मैं ना ऐसे ऊपर से पानी से नहा लेती थी, क्योंकि गांव में वो शैम्पू मिल नहीं रहा था, जो शैम्पू वाला स्ट्रेट हमने कराया था तो वहां से जो शैम्पू मिला था हमको, तो शैम्पू गाँव में नहीं मिल रहा था, बहुत इलाहाबाद में पता किए नहीं मिला, फिर अपने घर पर गए थे वहाँ पर भी नहीं मिला, तो फिर हम कहे चलो छोड़ो जाने, तो फिर उसकी वजह से ना मिलने की वजह से मैंने अपने 2 हफ्ते से बाल ही नहीं धुले, मेरे बाल देखने कैसे हो गए हैं कि अजीब से हो गए हैं। तो ये जो शैम्पू है मैं अपने पतिदेव को भेज रही हूँ लेने के लिए, क्योंकि अब ये देखिए खाली हो गया है, तो ये अब लेकर आएंगे, क्योंकि जिस दिन आए थे ना उस दिन भी इनसे बोले कि जाइए लेकर आइए, जाइए लेकर आइए, लेकिन इनका ध्यान है ना, आ जाते हैं तो पता नहीं क्या क्या कर, देख रहे हैं अभी क्या कर रहे हैं, ये देखिए पता नहीं क्या क्या करते रहते हैं, हमको समझ में आता ही नहीं है, कुछ समझते ही नहीं है कि हाँ मेरी बीबी कुछ बोल रही है, तो अपना बाल तो खुद ही नहीं उग रहा है उनका उनका हेयर देखेंगे ना तो आप लोग हंसेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम इनको भेजते हैं अपना हेयर मतलब शैम्पू लेने के लिए, आप जा रहे हैं, ठीक है जाइए, फिर हम आपसे मिलते हैं थोड़ी देर में। देख रहे हैं, पता नहीं कौन सा शैम्पू इस्तेमाल करती है, ये अगल बगल छोटे मोटे परचून की दुकान में मिलता है नहीं, दूर जाना पड़ता है गाड़ी लेकर के। क्या जरूरत थी तुमको बाल स्ट्रेट करवाने की, क्या जरूरत थी, आपने मुझे सलाह दिया था करवा लो। ये बहुत बड़ी गलती होती, कभी ना लड़कियों को सलाह मत दो कि तुम ये करवा लो तुम वो करवा लो। चलो दोस्तों, समय नहीं खराब करते, चलते हैं मार्केट में, इसके लिए ये शैम्पू लेके आते हैं। सुबह सुबह मुझे आना पड़ गया मार्केट में, और देख रहे हो किशोर रानी का शैम्पू ख़त्म हो गया है, और ये ऐसा शैम्पू है ना कहीं हर जगह मिलता ही नहीं है, बड़ी दिक्कत होती भैया, पता नहीं कौन सा शैम्पू लगाती है, स्पेशली आना पड़ता है, 2-4 दुकानें हैं जहाँ पर मिलता है, तो ये मदनगिर मार्केट का दुकान है जहाँ पर आ रखा है लेने के लिए, मार्केट सारी खचाखच खुल गई है एकदम, देख सकते हैं चारों तरफ एकदम भीड़ भाड़ लगी हुई है। तो हमारे पतिदेव ने बोला कि बहुत ढूंढते ढूंढते तुम्हारा शैम्पू मिला, पता नहीं कौन सा पतेला वाला शैम्पू लगाती हो, और देखिए मेरा चेहरा पहले से बहुत अजीब हो गया है ना, और इस हमारे मोबाइल की क्वालिटी थोड़ी सी ख़राब हो गई है, तो इसीलिए हम क्या नाम है अपने पतिदेव को सरप्राइज़ देना चाहते थे, हम और नई दुल्हन और हमारा भाई मिल करके उनको सरप्राइज़ देना चाहते थे, लेकिन जो फ़ोन हम लेना चाहते थे वो फ़ोन हमें मिला नहीं, तो इनको भी कुछ डाउट हो गया था कि ज़रूर कुछ ना कुछ बात है, जो मुझे इतने बड़े एप्पल शोरूम में लेकर आई है और बोल रही है ये फ़ोन देखो वो फ़ोन देखो, बहुत सारी चीज़ थी जो हम रिकॉर्ड नहीं कर रहे थे वहाँ पर, क्योंकि वहाँ पर ना सब लोग ऐसे नज़र से देख रहे थे तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, और बार बार हर जगह कैमरा ऐसे उठा करके कहीं शूट करो तो अच्छा नहीं लगता है, हमें अच्छा लगता है शायद दूसरों को अच्छा नहीं लगता है, तो जो चीज़ जहाँ सबको अच्छा लगना चाहिए वही चीज़ करना चाहिए, तो ऐसे मतलब कि मैं अपने लिए भी उनसे बहाना की कि आप मेरे को फ़ोन दिला दियो, क्योंकि मैं ना फ़ोन चलाती हूँ, मेरा जो फ़ोन है चलाते चलाते मेरा फ़ोन हैंग करने लगता है, तो इनको पता था कि हाँ चलो, ये हमसे बोल भी रहते कि चलो तुमको एक नया फ़ोन दिला देते हैं, तो मैं बोली चलिए ठीक है दिला दीजिए, तो उसको लेने के बहाने मैं इनको भी देने मतलब कि इनके लिए भी फ़ोन देख रही थी,
लेकिन वो फ़ोन हमको वहाँ मिला ही नहीं। मिला तो बहुत, एक फ़ोन अच्छा भी लगा तो बहुत ज़्यादा, क्योंकि अभी हम मतलब कि सीपी गए थे तो सीपी में वहाँ पे पता किए थे कि वहाँ पे फ़ोन अच्छा, मतलब कि उससे जहाँ पे यहाँ पे देखे थे तो उससे अपेक्षा वहाँ पे सस्ता है, यहाँ पे महंगा मिलता, तो उन्होंने एक रुपया भी डिस्काउंट नहीं किया, तो हमने वहाँ से फ़ोन नहीं लिया। तो हम लोगों का प्लान जो था सब फेल हो गया। तो हमारी और भाभी और हमारे भैया ने जो इनके बारे में जो कुछ भी सोचा था सब बेकार का बेकार हो गया। तो हमारी भाभी और भैया अभी आज आएंगे और कालिका जी दर्शन करने जाना है, तो जिस टाइप का वो साड़ी पहनना चाहती हैं उस टाइप का साड़ी उनको लाजपत नगर में उन्होंने पता किया तो वहाँ पे नहीं मिला। तो मैं बोली ठीक है, जहाँ से मैंने अपनी शादी में साड़ी लिया था आप वहाँ आ जाइए, वहाँ से हम आपको दिला देते हैं, आप देख लीजिए। तो आज वो फिर आएंगी हमारे घर पर, लेकिन ये ब्लॉग इसमें नहीं जुड़ेगा, ये ब्लॉग नेक्स्ट ब्लॉग में आएगा। तो आप लोग ज़रूर देखिएगा कि वो किस टाइप का साड़ी लेना चाहती हैं और कैसा साड़ी लेना चाहती हैं, क्योंकि उन्हें दर्शन, हम लोगों ने सोचा था कि जब उनकी शादी हो जाएगी तो हम उनको दर्शन कालिका जी में कराएंगे, क्योंकि शादी करने के बाद हम लोग कालिका जी दर्शन करने जरूर जाते हैं। तो सबका भी सपना था कि कालिका जी दर्शन कर ले, तो कालिका जी दर्शन कर ले, तो आज फिर आएंगी। पतिदेव मेरे आगे सुन रहे हैं कान लगा कर, देख रहे हैं आप लोग आकर के ऐसे कान लगा के सुन, देखिए क्या बोल रही है। तो बोल रहे हैं कि तुम कब से क्या फ़ोन में लगी हो, क्या बातें कर रही हो। मैं बोली बस मेरे दिल की जो बात है मैं अपने फैमिली से शेयर कर रही हूँ। तो दोस्तों अभी मैंने फ़ोन अपने भाई को किया कि आप निकल रहे हो कि नहीं निकल रहे हो, तो बोला कि अभी मैं तो सो के उठा हूँ, खा चाय वगैरह पी रहा हूँ, क्योंकि लेट में आजकल सब दिल्ली में सब लोग लेट में सोते हैं, लेकिन आजकल हम लोग जल्दी सो जा रहे हैं। पहले हम लोग बहुत लेट में सोते थे लेकिन अब हम लोग जल्दी सो जा रहे हैं, तो हम भी चलते हैं। शैम्पू बहुत लेट हो गया था आने में, तो इसकी वजह से हमने नहाया नहीं और हमने चाय भी पी लिया है। तो अब हम जा रहे हैं नहा धो करके, फिर चलेंगे कुछ खाना वगैरह बनाएंगे। आज मैं सोच रही थी चने का दाल, चावल, रोटी, सैलड और यही सब बनाती हूँ। तो पतिदेव का भी फेवरेट है, सबका फेवरेट है, तो मैं चलती हूँ। ये बना दूँ जी, चने का दाल, चावल, रोटी, ठीक है। क्या बना रहे हो किट्टू आज? आटा गूंथ रही हूँ, चावल डाल रही हूँ और चने का दाल बनेगा। चने की दाल मेरा फेवरेट है। किचन में बाथरूम में गई हूँ तो पानी नहीं आ रहा था। पानी नहीं आ रहा था क्यों? तो फिर जो पानी वाला पानी था मैं सोची कि चलो खाना ही बना लेती हूँ, कम से कम जो काम जल्दी हो जाए। वैसे मैं सुबह ही नहा लेती हूँ लेकिन आज मुझे लेट हो गया। आप बताइए ना सभी को। तो पानी नहीं आया उसके वजह से मैं किचन में आ गई काम करने। चलो कोई बात नहीं, पानी आएगा तो नहा लेना, खाना बना के रख लो तब तक। हाँ। आटा गूंथ रही किट्टू रानी। मैं सोच रहा हूँ मैं जाके सेविंग कटिंग करा लूँ क्या? जो काम जल्दी हो जाए तो जो काम हो जाए सो हो जाए ना। उछल उछल के बना रही है? उछल उछल के नहीं बना रही हूँ, प्रेम से ही बना रही हूँ। चलो ठीक है। तो सेविंग और कटिंग दोनों करवानी है, बाल भी बढ़ गए हैं, दाढ़ी भी बढ़ गई है, तो सोच रहा हूँ करवा लेता हूँ। ये अपनी फेवरेट दुकान है, आज सेविंग कटिंग दोनों होगा, कुछ चेंज होगा मामला। तो भाई जान सेविंग कटिंग दोनों चमका दो भाई को, देखते हैं क्या लुक मिलता है। हाँ दुकान भी खाली है। तो मैं आज सेविंग कटिंग करा लिया हूँ और लुक देखिए थोड़ा सा चेंज है मेरा। बताइएगा कि आप लोग कैसा लुक लग रहा है आज मेरा, थोड़ा सा डिफरेंट आज, थोड़ा सा कटिंग मैंने इस हिसाब से करवाया है। अच्छा ही लग रहा हूँ आप लोगों को। किट्टू जी कैसा लग रहा हूँ मैं आज आपको? लल्लन टॉप लग रहे हैं, नया लड़का लग रहे हैं। चलो नहा धो लेता हूँ, फिर मिलते हैं दोस्तों, बने रहिए ब्लॉग में। A few moments later. दोस्तों हम नहा धो के तैयार हो गए हैं और पानी भी आ गया, तो हम अच्छे से नहा धो लिए हैं। और काफ़ी दिन बाद मैंने देखे मेरे बाल बहुत देखने में ठीक लग रहे हैं, बाकी मेरे बाल पता कैसे लग रहे थे। और मैंने कपड़े भी धो लिए हैं, तो वाशिंग मशीन में कपड़े सुखा रही हूँ। और भाभी भैया का फिर से फ़ोन आया था कि वो लोग निकल चुके हैं। और बाकी तो इसके पहले जो मैंने सरप्राइज़ प्लान किया था उनके साथ कि अपने पतिदेव को सरप्राइज़ देंगे, तो वो प्लान तो फेल हो गया, बट कोई बात नहीं,
फेल हो गया तो कोई बात नहीं, लेकिन हमारे 1,00,000 सब्सक्राइबर होने वाले हैं। मैं उनको मतलब कि आज मैं उनको बुलाए हैं तो आज वो फिर आ रहे हैं, तो उनको लेकर सरप्राइज़ को लेकर 1,00,000 होने के पहले ही मैं उनको बहुत बड़ा सरप्राइज़ देना चाहती हूँ। मैं कुछ ख़रीदना चाहती हूँ, मैं देखती हूँ उनके साथ क्या क्या ख़रीद सकती हूँ, क्योंकि वो काफ़ी दिन से बस एक होता है ना कि बीवियों का सपना होता है कि मैं अपने पति को ऐसे सरप्राइज़ दूँ वैसा सरप्राइज़ दूँ, तो बहुत दिन से उम्मीद थी। और आप सबको ही पता होगा कि वो डेली बोलते थे मेरा 1,00,000 सब्सक्राइबर हो जाए, 1,00,000 हो जाए, तो वही होने की खुशी में मैं उनको उनको ना पता चले उसके पहले ही मैं उनको सरप्राइज़ देना चाहती हूँ, और मैं उनके उनके लिए ढेर सारा गिफ्ट लेना चाहती हूँ। सबसे ज़्यादा जिससे प्यार करते हैं मैं वही चीज़ गिफ्ट उनको देना चाहती हूँ। और ऋषभ आ गया, बोल रहा है कि मौसी कपड़ा सूख गया। कपड़ा सूख गया, क्या हो गया? अच्छा रुक गया, हमें सुनाई दिया सूख गया। तो ऋषभ भी बहुत हेल्प करता है, उसको मन करता है कि हम कितना पानी यूज करें, कितना पानी में खेलें कूदें नाचें। तो दोस्तों आप सब भी हमको ना ये ब्लॉग देख करके कमेंट कीजिएगा दीदी आप भैया के लिए, जैसे कि मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा है, तो मुझे अच्छी तरह समझ में नहीं आ रहा है, तो आप सभी कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि दीदी आप भैया के लिए ये चीज़ ऐसे करोगे तो ज़्यादा एक्साइटेड रहेंगे और ज़्यादा उनको खुशी होगी। तो आप लोग ज़रूर बताइएगा, हम भी सोचेंगे और आज भी जाएंगे शॉपिंग करने, क्योंकि हमारा ब्लॉग बहुत बड़ा हो जाएगा कि हम इस ब्लॉग में आप सबको नहीं दिखा सकेंगे कि हम क्या सरप्राइज़ प्लानिंग कर रहे हैं, क्योंकि 1,00,000 होने में बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। आप लोगों की वजह से बहुत बहुत थोड़ा सा रह गया है, बस थोड़ा सा रह गया है, तो उसी की खुशी में आज हम लोग जा रहे हैं शॉपिंग करने और अपने पति देव के लिए कुछ सरप्राइज़ गिफ्ट देने। तो दोस्तों वो सब भी आ रहे हैं और हम भी जा रहे हैं रेडी होने, फिर इन लोगों को खाना पीना खिलाएंगे, क्योंकि ब्लॉग बहुत बड़ा हो जाएगा तो इसमें हम नहीं बता सकते हैं। तो आज की वीडियो अगर आप सबको पसंद आ जाएगी तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और ये सब मेरे पति देव को भी नहीं पता, जब एडिट करेंगे तब उनको पता चलेगा कि हाँ हमारी बीवी ने क्या क्या सोच रखा है, लेकिन उनको तो सब पता चल जाएगा तो मैं क्या करूँ। तो मैं चाह रही हूँ कि जब तक वो एडिट करें और तब तक आप लोग 1,00,000 ज़रूर कीजिए कि हमारा नेक्स्ट ब्लॉग 1,00,000 का आए, 1,00,000 का आए, और खूब अच्छे से सरप्राइज़ करें, खूब अच्छे से प्लानिंग करें, क्योंकि वो दिन बहुत इंतज़ार है 1,00,000 होने के लिए, बहुत उम्मीदें हैं और आप लोगों का बहुत ढेर सारा प्यार है, आप लोगों ने बहुत सपोर्ट किया है। थैंक यू सो मच, लव यू गाइज, बाय बाय, टाटा।